अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबात अलवार और प्यारे बच्चों, आप तमाम का विशिष्ट इकबाल है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, स्टडी कर रहे हैं आठवीं जमात का रियाजी मजमून स्कॉलरशिप इम्तिहान का लेक्चर नंबर 12 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेक्चर नंबर 12 में प्यारे बच्चों पढ़ने वाला हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2.7 औसत। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज, औसत। ठीक है, अब औसत किसे कहते हैं इसको समझेंगे। औसत दी हुई शुमारियाती मालूमात में आदाद की जमा को आदाद की तादाद से तकसीम करें तो औसत हासिल होता है। ठीक है, देखो तमाम आदाद की जमा करेंगे और जितने आदाद हैं उतने से हम तकसीम कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल दी हुई है, पर एक जमात के 5 बच्चों में जैल के मुताबिक चॉकलेट तकसीम किए गए, हर बच्चे को औसत कितने चॉकलेट मिले? ठीक है, 12, 10, 8, 14, 6। अब इनकी दिया कर तमाम की जमा करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जमा, इनकी जमा आ रही 50 आ रही है। ठीक है, 50 आ रही है और ये कितने आदाद है, 5 आदाद है, तो 5 से हम तकसीम कर देंगे तो जवाब मिलेगा 10। तो औसत कितना आ रहा है, औसत जो है 10 आ रहा है और औसत को मियानिया भी कहते हैं। ठीक है, मियानिया भी कहते हैं औसत को। बाज मरतबा पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा समझ लो एक क्लास में 60 बच्चे हैं और 60 बच्चों का हमको उनकी मार्क्स का औसत मालूम करना है, तो जब बहुत ज्यादा तादाद दी होती है तो उस वक्त भी हर बच्चे जो है वो तादुदी तकसीम का जदोल इसका इस्तेमाल करके प्यारे बच्चों हम जो है औसत मालूम करते हैं, मानिया मालूम करते हैं। ठीक है, जब औसत मालूम करने के लिए आदाद की तादाद ज्यादा होती है तब तादुदी तकसीम का जदोल बनाकर मियानिया मालूम करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक गांव के 30 खानदानों की एक दिन में इस्तेमाल किए गए दूध का तनासुब लीटर में दिया हुआ है, 30 खानदानों का। ठीक है, इसकी वजह से हर खानदान के जरिए इस्तेमाल किए गए दूध का मियानिया मालूम करो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर जो है खानदानों के जरिए इस्तेमाल किए गए दूध, एक लीटर दूध खानदान की तादाद कितनी है, यानी 4 खानदान में 1 लीटर दूध यूज किया गया। ठीक है, और फिर 2 खानदान में जो है वो 6 लीटर दूध यूज किया गया, 3 खानदान में जो है वो 12 लीटर दूध इस्तेमाल किया गया, 4 खानदान में जो है वो 7 लीटर दूध इस्तेमाल किया गया, 5 खानदान में जो है वो 1 लीटर दूध इस्तेमाल किया गया, और ये खानदान में 5 लीटर दूध इस्तेमाल किया, मैंने उल्टा बोल दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों की जरब कर देंगे। ठीक है, 1 और 4 की जरब 4 आएंगी, 2 और 6 की जरब 12 आएंगी, 3 और 4 की जरब 36 आएंगी, 4 और 7 की जरब 28 आएंगी, 5 और 1 की जरब 25 आएंगी, इन तमाम की जो जमा रहेगी वो 25 रहेंगी। अब मियानिया मालूम करने के पहले जो रास्ते दिए हुए है, जैसे ये इसकी एक ये समेशन, समेशन नंबर का पहले बच्चों कुल जमा। ठीक है, समेशन xf/n। ठीक है, यहाँ अगर कुछ अलामत नहीं दिया तो यहाँ जरब रहता है, जरब की अलामत रहती है। ठीक है, अब इन बोले तो नंबर ऑफ जो खानदान दिए हुए वो है 30 खानदान दिए, यहाँ पर 30 खानदान है। ठीक है, तो नीचे में इन की जगह 30 लिख दिया और जो कुल तादाद है बच्चों वो 85 है। अब 30 को 85 से जरूर देंगे तो जवाब मिलेगा हमको 2.83। ठीक है, फिर बच्चे फॉर्मूला आपको याद करना है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, एक से जो रहता है वो जो तादाद दी भी है, जो भी जैसे क्लास में 60 बच्चे रहेंगे तो 60 तादाद यहाँ पे, तो एन एफ जो रहेगा वो एन जो रहेगा 60 रहेगा। ठीक है, अब इनकी जमा जो रहेगी प्यारे बच्चों, जैसे 1 लीटर दूध जो 4 खानदान वालों ने इस्तेमाल किए, 2 लीटर दूध जो 6 खानदान वालों ने इस्तेमाल किए, ठीक है, 3 लीटर दूध 12 खानदान वालों ने, तो इनकी हम जर्ब करेंगे। ठीक है, इनकी क्या करेंगे हम, टोटल उन्होंने 85 लीटर जो दूध है वो इस्तेमाल किया। ठीक है, 85 लीटर दूध इस्तेमाल किया, तो 30 को 85 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा 2.83। यहाँ पर जो मियानिया है तो औसत जो है औसत वो 2.83 है। ठीक है, औसत को मियानिया भी कहते हैं। हम मियानिया पहले बच्चों देखें, तमाम आदाद की जमा हम अगर मालूम करना है, तमाम आदाद की जमा, तो औसत जरब कुल तादाद। ठीक है, औसत जरब
कुल तादाद, जैसे मिसाल 8 आदाद का औसत 15 हो, तो उनकी आदाद की जमा कितनी होगी, तो 15 8 120, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने के बच्चों, आपको तमाम आदाद की जमा अगर मालूम करना है हमको, तो ये फॉर्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। किसी चीज की मसावी तकसीम बताने वाला आदद औसत कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस पॉइंट पर बहुत ध्यान देंगे, थॉट ठीक है। 5 या 3 या 7 मुतवातिर तबई आदाद का औसत वस्ती आदत के बराबर होता है, ठीक है। वस्ती आदत, वस्ती मतलब दरमियान का आदत, इसको समझेंगे मिसाल के जरिए से। जैसे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, ठीक है। पैरोचो इनका जो औसत रहेगा वो 3 रहेगा, ठीक है। मुतवातिर जो 5 आदाद, मुतवातिर 7 आदाद, मुतवातिर जो है 9 आदाद, इनका जो वस्त रहेगा, ठीक है, वही उसका औसत रहेगा। समझ में आ रहे। जैसे यहाँ पर मुतवातिर जुफ्त या ताक आदत, अब यहाँ पर मुतवातिर जो है ताक आदत दिए है, ठीक है, 5 ताक आदत दिए है, तो इनका जो दरमियान रहेगा 7, तो यही इसका जो है वो औसत रहेगा। अगर ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं तो हम हल करते नहीं बैठेंगे, तमाम आदत की जमा करेंगे फिर 5 से तकसीम करेंगे। हमको कम से कम शॉर्ट ट्रिक के जरिए से, अगर बच्चों जवाब अगर ला सकते हैं हम, तो शॉर्ट ट्रिक के जरिए से जवाब को लाना है, ठीक है। अगर मुतवादिर जुफ्त सवाल दीजिए, यहाँ पर 12 14 16, तो इनका जो औसत रहेगा वो 14 रहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो 14 औसत आ रहा है इसका, तो इस चीज को बारे में जो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ग्रोह के तमाम आदाद मुतय्यन कीमत से बढ़ाए जाए या मुतय्यन कीमत से कम किए जाए, तो औसत भी उतनी ही कीमत से बढ़ता या कम होता है। 15 20 25 का औसत 20 रहेगा। अगर मुतय्यन कीमत से बढ़ रहे हैं, यहाँ 5 5 बढ़ रहे हैं, देखो 5 5 बढ़ रहे हैं, उसका औसत भी दरमियान का रहेगा, ठीक है। अब मुतवातिर आदाद का औसत का फॉर्मूला देखिए, मुतवातिर आदाद का औसत का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर पहला आदत जो है 15 है, यहाँ 15 ले लेंगे, आखिरी 25 है, 15 25 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 को 2 से डिवाइड कर, 40 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो औसत कौन सा आ रहा है, औसत 20 आ रहा है, देखेंगे यहाँ पर 20, ठीक है। तो मुतवातिर आदाद का औसत का जो रब्ता है, पहला आदत लेंगे, पहला आदत, ठीक है, जमा दूसरा आदत बटे 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 13 26 39 और 52, ठीक है। बोलो 13 13 13 बढ़ रही है, बीच में 13 13 बढ़ रहा है, ठीक है, मुतय्यन मिकदार में जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहला तो हम 13 ले लेंगे, सॉरी का 65 ले लेंगे, और आखिरी अदद कितना आ जाएगा 65, ठीक है। तो 5 और 3 8, अरे 7 2 3 6 2 9 18 39, देखो 39 यहाँ पर दरमियान अदद आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले शॉर्ट ट्रिक का आपको ज्यादा यूज करना है स्कॉलरशिप ध्यान के अंदर, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करना है। जी ये फॉर्मूला भी बहुत अहम है, इसको भी याद करेंगे आप, ये फॉर्मूला, और इसके पहले जो समेशन एफ एक्स अपॉन एन जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, समेशन यानी जमा कुल, ठीक है। सवाल देखिए मैडम, तो सवाल यहाँ पर सवाल नंबर एक है, 27 36 45 54 63, इनका इन आदाद का औसत मालूम करे। तो पर अगर गौर करेंगे हम, ये तादाद जो जैसे यहाँ पर, ये यहाँ भी 9 बड़ा है, 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 ठीक है। तो मुतय्यन मिकदार में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आदाद बढ़ रहे हैं, मुतय्यन मिकदार में जो आदाद बढ़ रहे हैं, अगर गौर करेंगे तो इनका दरमियानी जो है 45 है, तो इसका औसत जो रहेगा प्यारे बच्चों 45 रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा हल करके देखेंगे, पहला आदत 27 है, दूसरा 63 है, ठीक है, इनकी जमा करेंगे, 7 3 10 के सिफर असला 1 6 2 8 और 1 9, इनको 2 से तकसीम करेंगे, 2 2 4 8 1 बचा 2 5 10 45, ठीक है। ये फॉर्मूले से भी प्यारे बच्चों, ये पहला आदत, ये दूसरा आदत बटे 2, तो फॉर्मूले से भी प्यारे बच्चों बहुत आसानी के साथ में जवाब
मालूम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। आधा 2 सही 2/3, 3 सही 3/5, 7 सही 2/5, 9 सही 1/3 का औसत मालूम कीजिए। तो बच्चों ये यहाँ पर जब गौर करेंगे हम, ये जो है मुरक्कब कसर है, इसको हमको जो आम कसर में तब्दील करना है। ये है 3 27 28 28/3, ठीक है, 5 7 35 37 37/5, 5 3 15 18 18/5, 3 9 6 8 8/3, ठीक है। अब ये दोनों प्यारे बच्चों इसका जो है वो नसब नुमा यक्स है, तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पर 28/3 जमा 8/3, ठीक है। इनकी जमा क्या आ रही है प्यारे बच्चों, गौर करेंगे हम तो ये 28 और 8 36, ठीक है, 36/3, तो ये 12, 3 1 3 3 2 6, इसकी 12 आ रही है। अब इसको लेंगे 37/5 जमा 18/5, नसब नुमा 18 8 7 15 5 5, और ये 5, ठीक है, 5 1 5 5 1 5 11, ये कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। अब 12 जमा 11 बराबर 23, ठीक है, 23 आ रहे हैं, 12 जमा 11 कितना आ रहा है, 23 आ रहे हैं। अब आदाद कितने हैं, 1 2 3 4, 23 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 5 20, 3 बचा, आशा लेंगे सिफर लगाएंगे, 4 7 28, 2 बचा 4 5 20, ठीक है, 3 आशारी 5 7 5, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है। मुरक्कब कसर को पहले आम कसर में तब्दील करके उसकी जमा कर लेंगे, उसकी जमा को 4 से डिवाइड कर देंगे, पहले जवाब आ जाएगा, ठीक है। सवाल पर तो आसान होता है, लेकिन हमको देख हमको तरीका नहीं पता हो रहा, तो हमको सवाल बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। अब 12 आदाद का औसत 20 है, इसमें अगर 20 जमा करने पर तमाम आदाद का औसत क्या होगा, ठीक है। अगर कहते हैं गौर करेंगे हम, 12 आदाद का औसत कितना है, 20 है, इसमें 20 जमा करेंगे, ठीक है, 12 आदाद का औसत 12 ज़रब 20 कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। तो आदाद की जमा कितनी आ रही है प्यारे बच्चों, आदाद की जमा 240 आ रही है, ठीक है। 13 आदाद की जमा 240, 13 आदाद एक जमा में 20 जमा कर, उसमें तो 20 जमा कर देंगे, 260 260 को प्यारे बच्चों 13 से हम डिवाइड कर देंगे, 13 13 13 2 26, 20 औसत कितना आ रहा है, औसत जो आ रहा है वो 20 आ रहे हैं, ठीक है, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इससे 12 आदाद का औसत कह रहे बच्चों, औसत कितना है, 20 है, तो 12 ज़रब 20 240 हो जाएगा। अब उसमें 20 और जमा कर दिए, 260 हो जाएगा, तो 12 आदाद है, एक और मिला दिए 20, तो 13 हो जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 5 दरख्तों की ऊंचाई 3.5 मीटर, 2.27 मीटर, 2.50 मीटर, 3.43 मीटर, 2.15 मीटर है, तो इन दरख्तों की औसत ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। इनकी जमा करने पर देखो, 2 में 3 मिलाएंगे 5, 5 में 2 मिलाएंगे 7, 7 में 2 मिलाएंगे 9, 9 में 3 मिलाएंगे 12, तो आशारी की दर जो अदद की जमा 12 आ रही है। इसकी अगर जमा करते हैं हम, देखो 25 में 27 मिलाने, 25 27 50 45 15, 7 7 12 12 3 15 5 20 का सिफर हासिल है, 1 1 2 3 2 5 5 10 और 15, ठीक है। तो ये एक इधर चले जाएंगे पहले, ठीक है, जैसे इनकी जमा 12 तो 13 13.50, ठीक है, इनकी जमा कितनी बार 13.50, 13.50 को 5 7 12 3 15 5 20 का सीधा असर है, 5 10 15, 13.50 उसको हम कितने से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 3 बचा, ठीक है,
दुनी 10, 3 मतलब 350 है ना, 5 7 35, ठीक है 5 7 35, वो आशारिया 70 जवाब आ रहा करेगा, वो आशारिया 70 ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब, ठीक है ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा सही जवाब है, 2 आशारिया 70 जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उबैदा के 10वीं जमात के इम्तिहान में रियाजी के अलावा दीगर मजामिन में 62% औसत नंबरात मिले, रियाजी के साथ 6 मजामिन का औसत 65 हो तो उसे रियाजी में कितने नंबरात मिले। तो पहले तो गौर करेंगे अगर हम यहाँ पर के जैसे रियाजी के नंबरात, ठीक है ये मालूम करना हमको, 7 मजमून के नंबरात, ठीक है 7 मजमून के नंबर माइनस 6 मजमून के नंबर, ठीक है। अब प्यार बच्चों अगर हम 6 मजामिन का औसत कितना है, 6 ज़र्ब 65, ठीक है ये हो जाएगा और माइनस 7 मजामिन का औसत कितना है, 5 मजामिन का औसत कितना है, यहाँ 5 मजामिन का औसत 62 है, 5 ज़र्ब 62 ये 390 तकसीम 310 बराबर 80, तो उसको रियाजी पर 80 नंबर मिले, कितने नंबर मिले जैसे 7 मजमून उबैदा को 10वीं जमात के इम्तिहान में रियाजी के अलावा दीगर मजामिन में 62% नंबर हासिल हुए, ठीक है रियाजी के साथ 6 मजमून, तो 5 मजमून में पहले बच्चों उसको 62% मिले, तो 5 ज़र्ब 62 कर लेंगे और 6 मजमून में उसको 65% में नंबर मिले तो 6 ज़र्ब 65 कर लेंगे। इनको अब हल करेंगे तो इनका औसत जो है 390 मार्क्स हो रही टोटल, इसकी 310 हो रही, 5 मजामिन की 310 और 6 मजामिन की 390, तो उसको कह रहे तो रियाजी में जो नंबर मिला है वो 80 नंबर मिला है, कितना नंबर मिला है 80 नंबर मिला है, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखेंगे यहाँ पर, सवाल नंबर 6, 7 लड़कियों की उम्र बितर थी, x+7 x+5 x+3 x+1 x-1 x-3 x-5 साल है तो उनकी औसत उम्र कितनी होगी, ठीक है इनकी प्यार बच्चे इन तमाम की जमा करेंगे हम, इन तमाम की जमा करेंगे और 7 से तकसीम कर देंगे, वैसे इन तमाम की जमा करने पर हमको जो जवाब आ रहे हो 7x+7, ठीक है 7x+7, बटे 7, ठीक है 7 5 12 12 3 15 15 1 16 1 3 4 4 5 9, तो 9 में 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए बचे 7, ठीक है ये और ये 1 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x, तो 7x+7, ठीक है बटे 7। अब प्यारे बच्चों x जो है ये 7, ये x+7 को कॉमन निकालिए पहले बच्चों ने, 7 को क्या करें कॉमन निकाल लिए बटे 7, ये 7 ये 7 कट जाएगा x+1, ठीक है x+1 जो है इसका औसत रहेगा, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब है, ठीक है ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा सही जवाब है। आगे भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अगर एम और एन का औसत 20 है, एन और वाई का औसत 25 है, एम एन और वाई का औसत 23 है, तो एम और वाई का औसत कितना होगा, ठीक है इसके बारे में अगर हम हल करते हैं, अगर हम हल करते हैं जैसे एक नंबर पर अगर हम लेते हैं एम और एन का औसत, ठीक है एम और एन का औसत, तो एम जमा एन बटे 2, पहला अंक कौन सा है 20, ठीक है इनका औसत कितना आ रहा है 20 आ रहा है, एन जमा वाई का औसत कितना आ रहा है
पहला का तो और आखिरी का थोड़ा फॉर्मूला यूज करना है, मेरे बच्चों 25 आ रहे हैं। ठीक है, अब एम जमा एन, ये दो तकसीम मिलाकर जरूर हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, और एन जमा वाई बराबर, ये दो जगह का जरूर है, जरूर हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये दो इधर जरूर आ जाएगा, जरूर दो, ये जरूर दो। ठीक है, 40। अब प्यार बच्चों क्या पूछा गया है, अब एम एन और वाई का औसत। ठीक है, तो एम जमा एन जमा वाई का औसत कितना आ रहा है, 23 आ रहे हैं। ठीक है, 23 आ रहे हैं, तो ये तीन जरब कर देंगे बाहर, तो एम जमा वाई बराबर 69 हो जाएगा, 23 3 69, समझ में आ रहा है। अब पहले थोड़ा गौर करेंगे हम, अगर हम गौर करेंगे, ये एम और एन की कीमत कितनी आ रही है, 40 आ रही है। देखेंगे हम यहाँ, इससे पहले देखे हमने, यहाँ पर देखो 40 आ रही है, तो एम और एन की कीमत 40 लिख देंगे, जमा वाई बराबर कितना हो जा रहा है, 69 हो जा रहा है। वाई को उधर लेंगे पहले बच्चों, ये 40 सॉरी 69 ये जमा है, इधर अगर तफरीक हो जाएगा, 69 में से 40 गया तो बचेंगे पहले बच्चों 29, तो वाई बराबर कितना आ रहा है बच्चों, 29 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तलबा के एक गुरु को औसत 15 चॉकलेट दिए, औसत गुरु को औसत 15 चॉकलेट दिए, इस गुरु को मजीद औसत 3 चॉकलेट दिए, और बाद में इसी गुरु से औसत 5 चॉकलेट वापस ले लिए, तो इस गुरु में हर एक तालिबे इल्म को औसत कितने चॉकलेट मिले। ठीक है, अगर कुछ गौर करेंगे, हर तालिब इल्म को, हर तालिब इल्म को औसत चॉकलेट मिले। ठीक है, तो पहले उनको 15 औसत, ठीक है, औसत चॉकलेट दिए, फिर उनको मजीद और दिए, ठीक है, मजीद कितना दिए, 3 और दिए, फिर 5 वापस ले लिए, तो -5 कर दिए, तो पहले बच्चों 5 15 जमा 3 18, 18 से -5 गए 13। ठीक है, तो जो हर तालिबे इल्म को जो है वो 13 चॉकलेट मिलेंगे। ठीक है, 13 चॉकलेट मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक उसको स्कूटर पहले 4 घंटे में बितरतीब 15.5 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 18.5 किलोमीटर और 20 किलोमीटर फासला तय करता है। अगर स्कूटर की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा हो, तो 5वें घंटे में स्कूटर ने कितना फासला तय किया। ठीक है, तो जो इसका औसत मालूम करेंगे, सबसे पहले हम जो है 15.5, 22, 18.5, 20, ठीक है, इनका औसत देखेंगे, औसत जमा एक्स। ठीक है, 5वें घंटे हमको मालूम करना है ना, 5वें घंटे हमको मालूम करना है, इनकी बटे 5 कर देंगे, अब इनकी जमा करो 76 जमा एक्स बटे 5। ठीक है, 76 जमा एक्स बटे 5। अब प्यारे बच्चों अगर गौर करें, हम एक्स को इधर रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 76 18 किलोमीटर पर बच्चों, 18 किलोमीटर। ठीक है, औसत रफ्तार हम क्या कर दिए, 18 कर दिए, ये हो जाएगा, ये इधर तकसीम में इधर अगर जरब हो जाएगा, जरब 5 बराबर 90, तो छिहत्तर जमा एक्स बराबर 90, एक्स को हम इधर ही रखेंगे, ये 76
90 नफी 76 बराबर कितना है, 14 किलोमीटर। ठीक है, तो 5वें घंटे की जो स्कूटर की, तेरे बच्चों 5वें घंटे में जो स्कूटर जो है वो 14 किलोमीटर फासला तय करेंगी। ठीक है, कितना तय करेंगी, 14 किलोमीटर फासला तय करेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 15, 12, 7, 19, 21, 8, 17, 13, 12, 19, 14 और x का औसत 15 हो तो x की कीमत मालूम करो। ठीक है, औसत कितने पे बच्चों, औसत 15 है। ठीक है, अब इनकी जमा करेंगे हम, इन तमाम की जमा करेंगे, तो इन तमाम की जमा प्यारे बच्चों आ रही है, वो आ रही है 157 जमा x, और कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12, अभी बार बार जो इधर जर्ब इधर आकर तकसीम हो, तकसीम इधर आकर जर्ब हो जाएगा, 12 जर्ब 15 बराबर 157 जर्ब एक्स, 12 5 12 12 5 60 के सिफर आदेश, 12 के 12 6 18 180 हो जाएगा। ठीक है, 157 जर्ब जमा एक्स। ठीक है, अब एक्स को इधर रखेंगे प्यारे बच्चों, 157 180 इधर आकर क्या हो जाएगा, तफरी हो जाएगा, 157 तो कितना है जवाब प्यारे बच्चों, 23। ठीक है, एक्स कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 23 रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दर्ज जैल में से कौन सा बयान गलत है, किसी भी गुरु का अपने आदात का औसत उस गुरु के हर आदत की बनिस्बत बड़ा होता है। ठीक है, 9, 11, 13, 15, 17 इन आदात आदात का औसत 13 13 है। ठीक है, तेरा जी हमने इसको हल करते जिससे 13 ये सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, सही है, दो जुफ्त आदात का औसत जुफ्त अदद ही हो जरूरी नहीं, दो जुफ्त आदात का औसत जैसे 14 जमा 16, ठीक है, 2 8 16 8 22। ठीक है, अगर जुफ्त आ रहे हैं, जुफ्त आ रहा है, तो जुफ्त आदात का औसत जुफ्त अदद ही वैसा है, जरूरी नहीं, ऐसा हम ले लेंगे यहाँ पर जुफ्त आदात 18 जमा 20। ठीक है, 18 जमा 20 38 हो जाएगा, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, तो जरूरी इन दो आदात का जो औसत है वो जुफ्त रह रहा है, तो ये प्यारे बच्चों सही है, ये भी जरूरी नहीं है। 50 आदात का औसत 10 है, इनमें से 8 और 12 आदात मिलाएं तो औसत उतना ही रहता है। ठीक है, 50 आदात का औसत जो है वो 10 है, इनमें 8 और 12 बच्चों ये भी सही है, हमारा जवाब जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, जैसे किसी भी गुरु के आदात का औसत इस गुरु के हर आदत की बनिस्बत एक बड़ा नहीं, पहला अदद जमा आखिरी अदद। ठीक है, पहला अदद और आखिरी अदद के दरमियान होते हैं बच्चों। ठीक है, इसके दरमियान में रहेगा, ठीक है, इसके दरमियान में रहेगा तो ये गलत है बच्चों, एक बड़ा नहीं होता है बल्कि उसके दरमियानी अदद होता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले सवाल के, सवाल नंबर 12 देखेंगे, यहाँ पर 3 आदात का औसत 48 है, दूसरा आदत पहले आदत की बनिस्बत 8 बड़ा है। ठीक है, पहले आदत की बनिस्बत जो है दूसरा आदत 8 बड़ा है, तीसरे आदत की बनिस्बत 14 छोटा है। ठीक है, तीसरे आदत की बनिस्बत 14 छोटा है, तो तीसरा आदत कौन सा है, औसत कितना दिया गया 48 दिया है। ठीक है, 48 दिया है, अब दूसरा आदत पहले आदत की बनिस्बत 8 बड़ा है, ये पहला आदत जो है 8 छोटा रहेगा। ठीक है, जमा, ठीक है, जमा x जमा 14। ठीक है, पहला आदत जो है, दूसरा आदत जो है पहले आदत की बनिस्बत 8 बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, और तीसरा आदत की बनिस्बत 14 छोटा है, तो उसके पहले 3 आदत टोटल है। ठीक है, एक्स एक आदत, ठीक है, दूसरा आदत एक्स और तीसरा आदत एक्स। ठीक है,
तीसरा वाला आप कह रहे, यहाँ पर गौर करेंगे हम, ये 48 हो जाएगा, 48 एक्स जमा एक्स, दो एक्स, दो एक्स जमा तीन एक्स, ठीक है, तीन एक्स। अब ये 8 और 14, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 14 में से 8 माइनस होगा, 14 में से 8 माइनस होगा तो बचेगा 6, ठीक है, बटे 3, ठीक है, बटे 3। अब पहले तो एक्स को हम इधर निकालते हैं, एक्स को हो जाएगा 138/3, ठीक है, 138/3 एक्स को इधर लाएंगे, ठीक है, 138/3 जब इसको हल करेंगे वैसे तो 3 चौक 12, 3 छक्के 18, एक्स बराबर कितना आ रहा है, 46 आ रहा है, एक्स बराबर कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। अब तीसरा घात कौन सा करें, तो तीसरा घात जो है 2 अदद पहले अदद की बनिस्बत 8 बड़ा है, तीसरे अदद की बनिस्बत 14 छोटा है, ठीक है, तीसरे अदद की बनिस्बत 14 छोटा है, तो तीसरा अदद पहले बच्चों यहाँ पर देखेंगे, तीसरा अदद जो 46 है उसमें 14 माइनस करेंगे तो 46 में 14 के अगर सॉरी प्लस करेंगे 60 आएंगे, कितना आएगा, 60 आएगा, तीसरा अदद की बनिस्बत 14 छोटा है, ठीक है, तो तीसरा अदद हमको मालूम करना है, तो तीसरा तो मेरा तो 60 रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, पहले 10 मुरक्कब आदात का औसत कितना कितना है, ठीक है, तो मुरक्कब आदात 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 जमा 12 जमा 14 जमा 16 चार छ आठ नौ दस जमा नौ भी है, मुरक्कब आदात पूछ रहे हो, इसमें से मुफरद आदात हम निकाल देंगे, ठीक है, मुफरद आदात हम निकाल दे रहे, ठीक है, 14 फिर 15 मुरक्कब आदात है, 16 मुरक्कब आदात है, 18 मुरक्कब आदात है, ये 10 मुरक्कब आदात हो गए, ठीक है, इनकी जमा कितनी आ रही है बच्चों, अगर हम जमा करेंगे इसकी, इसकी अगर हम जमा करते हैं तो 112/10, 112 में हल करते हुए तो 11.2 जवाब आए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। मुरक्कब आदात पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 से लेकर 10 तक जहां मुरक्कब आदात आए उसमें से मुफरद आदात हम निकलते जाएंगे, ठीक है, 1 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 2 भी मुफरद आदात है, 3 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, 7 11 13 17 ये तमाम आदात निकल जाएंगे, ठीक है। सवाल पर पहले बच्चों ध्यान देना है, बस सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, रियाज भाई की 12 महीने की बचत का औसत 15,500 रुपए है, ठीक है, 12 महीने की, तो पहले बच्चों हम जो है 12 महीने की बचत देखेंगे, 12 महीने की बचत, ठीक है, तो 15,500 को हम 12 से ज़र्ब दे देंगे, ठीक है, हमको जवाब मिलेगा 1,86,000, ठीक है, लेकिन कुछ जरूरी वजहियात के बिना पर उन्होंने मार्च महीने की पूरी तनख्वाह खर्च कर दी, जिसकी वजह से कोई बचत नहीं हुआ, तो इनकी 11 महीनों की औसत बचत कितनी होगी, ठीक है, अगर जो ये 12 महीने की औसत बचत है हम इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1,86,000 को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 × 11 कितना बचा, 7 बचा, 11 × 66 10 बचा, 11 × 99 ये 10 बचा, 11 × 110 ठीक है, 11 × 99 तो बच्चों ये 16,909 प्यारे बच्चों हमारा जवाब आ रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, 12 महीने की बचत पहले इतनी हो रही है, तो हमको 11 महीने की बचत करना है, तो 11 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद प्यारे बच्चों 16,909 जवाब आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जैल के आदात का औसत कितना है, ठीक है, 15,709 13,205 11,004 9,724 15,004
13,200, 7,975, 8,564। इनकी पेरेंट्स को क्या करना, हमको जमा करना है, तो इनकी पेरेंट्स सबसे पहले हमको जमा करना पड़ेगा, और जमा जो आ रही है वो 94,385, ठीक है, 94,385 आ रही है। कुल आधार कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8×8 1/1 बचा, 8×8 6 बचा, 8×8 64, 8×8 36, 8×8 48, 56, ठीक है, 56 कितना बचा, फिर 7 बचा, 8×9 72, 2 बचा, 8×3 24, ठीक है, 11,793, सॉरी 8×5 आखिरी में है ना, 11,798 जवाब आ रहा है, ठीक है, 11,798। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक जमात के लड़कों की औसत उम्र 15.5 साल है और लड़की की औसत उम्र 16.5 साल है, लड़के और लड़की की उम्र औसत साल 16 साल है, अगर लड़कों की तादाद 30 हो तो लड़कियों की तादाद कितनी होगी, ठीक है, गौर से देखने पर सवाल को इस तरह हल करेंगे हम, यहाँ पहुंच कर हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। आइंदा नए टॉपिक के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।